ये बवाल तुर्की में अमेरिका के इंसर्लिक एयरबेस पर हो रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में ये लोग यहाँ हमला करने पहुँचे थे। देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग प्लास्टिक की कुर्सियों से पत्थर चलाकर हमले कर रहे हैं। फिलिस्तीनी झंडे लहराते इन प्रदर्शनकारियों ने खूब उत्पात मचाया। इनकी हरकतों से पता चल रहा कि ये इजराइल के खिलाफ उसका समर्थन कर रहे अमेरिका के खिलाफ कितने गुस्से में हैं। इंसर्लिक एयरबेस पर वैसे तो भारी तादाद में सिक्योरिटी रहती है, मगर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस के साथ झड़प करने में भी ये फिलिस्तीनी समर्थक नहीं डर रहे थे। फिलिस्तीनी झंडे लहराते और नारे लगाती भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस छोड़े। इसके साथ उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार तक की गई, मगर फिर भी ये पीछे हटने से बाज नहीं आ रहे थे। इसी तरह कुछ दिन पहले रूस के दागिस्तान प्रांत में हजारों की संख्या में मुसलमानों ने मकाचकाला एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया था। यहां वो यहूदी यात्रियों को ढूंढकर मारने की फिराक में थे, और अब तुर्की में अमेरिका के इस एयरबेस पर हमला। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने या गिरफ्तारी की रिपोर्ट सामने नहीं आई। इसके साथ ही अमेरिका की ओर से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। मुस्लिमों में इसराइल को लेकर काफी गुस्सा भरा है। इसराइल हमास के आतंकियों को मार रहा, और ऐसे में फिलिस्तीनी समर्थक दुनिया भर में हंगामा मचा रहे। अमेरिकी एयरबेस पर जो हुआ वो भी इसी का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।